DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसका तीसरा चरण है वो चल रहा है। तीसरे चरण में दो चरणों से काफ़ी बदलाव किया गया है। हर व्यक्ति को इसमें छूट दी गई है, जो अपने कामकाज पे जा रहा है, किसी को इधर से उधर जाना है, और इन चीज़ों के देखते हुए अभी यातायात व्यवस्था है उसमें आवागमन बढ़ गया है। और इसके लिए हम यातायात विभाग भी हमारा पूरा सतर्क है और पूरी अच्छी तरह से लॉकडाउन की पालना भी हो, कर्फ्यू इलाके में कर्फ्यू की पालना भी हो, इसके लिए सख्ती से हम भी कार्रवाई कर रहे हैं। जो निरुद्देश्य घूम रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें। और इसी जो लॉकडाउन के तीसरे चरण तक आज तक जो हमारे चालान हैं वो लगभग 9,000 तक बन गए हैं और हमारा जुर्माना है वो लगभग 12 लाख रुपए तक का है, वसूला जा चुका है। और लगभग 500 व्हीकल है जो अभी तक हमारे पास जब्त हैं, जिनका जुर्माना शेष है वो जब छूटेंगे जब उनका जुर्माना भी हमने वसूल किया जाएगा हमारे द्वारा। मैंने कोई परमिशन दे दी घूमने की, इनके क्या कार्रवाई, क्या सख्त कार्रवाई रहेगी? परमिशन है, आप अति आवश्यक कार्य है, मैं लोगों से बार बार निवेदन करना चाहती हूँ, प्रशासन भी निवेदन कर रहा है कि आप इसको हल्का ना लें। परमिशन का मतलब ये नहीं कि आप निरुद्देश्य इधर से उधर घूमें। आप अति आवश्यक कार्य हैं तो आप बिल्कुल मुंह पे मास्क लगा करके, अपने हाथों में ग्लव्स या सैनिटाइज करके आप बाहर आइए। और घर अगर आप जाते हैं तो आपने बच्चे और परिवार को सुरक्षित रखिए, आप पूरा स्वच्छता का ध्यान रखिए, हर उपाय को कीजिए जो कोरोना महामारी से बचाव कर सकता है। इसको ईजी न लें, अभी भी आप घरों में बन रही है, जो परमिशन दी है वो कहीं ना कहीं अगर आपने इसको गलत रूप में यूज़ किया तो आप कोरोना को अपने घर तक लेके आएंगे और अपने परिवार का जीवन है वो खतरे में डालेंगे। छोटी